तो गाइस अब देख लो, भाई को पहना दिया हमने हेलमेट और हेलमेट पहन के काटे गए तो प्याज नहीं लगेंगे इसकी आंखों में। और ये हमारा आज लास्ट व्लॉग था। नहीं देखो यार, इन चीजों पे मजाक उड़ाना गलत बात। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। गाइस बहुत ही शानदार मॉर्निंग हो चुकी है फिलहाल, और अभी हम सारे के सारे उठ चुके हैं। और यहाँ पर देखो हमारी मम्मी जी भी सुबह सुबह माता जी के कपड़े बना रहे हैं, और उधर देखो मालती दीदी भी आए हुए हैं। बाकी गाइस यार मैं ना थोड़ी चीज सोच रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, अभी तो देखो डे सनलाइट आ रहा है, अभी पर्दे वर्दे खुले हुए हैं तो काफी ज्यादा अच्छी वीडियोग्राफी हो रही है। बाकी यार आप कमेंट करके जरूर बताना, मुझे पर्सनली ऐसे फील हो रहा है कि थोड़ा सा लाइटिंग का कमी है जो इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि मैं देखता हूँ जैसे बाहर की जाके वीडियोस बनाते हैं ना, उसके अंदर भी सेम कैमरा है, घर के अंदर भी सेम कैमरा है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वीडियोग्राफी की क्वालिटी और इम्प्रूव की जा सकती है। फिलहाल भाई अब मैं सोच रहा हूँ कि यार आजकल के अंदर लाइटें भी लेकर आए। बाकी यार बिना देरी के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर गाइस हमारे तंची भाई करनी वाले भी आ चुके हैं। क्या हाल चाल तंची भाई? आई एम फाइन, वेरी वेरी हैप्पी, सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। एंड गाइस अभी किचन के अंदर भी आ चुके हैं फिलहाल, और यहाँ पर हमारे भाभी जी। भाभी जी को गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। ये क्या कर रहे हैं भाभी जी? काके के लिए रस, काके के लिए काके का नाश्ता। देख लो काके का नाश्ता खड़ा होके बनवाता कि कहीं चाय पानी कम ना हो जाए इसके अंदर है। और यहाँ पर गाइस बन रही है सोंड। सोंड किस खुशी में? मम्मी का व्रत भी है और साथ में चाय के साथ। अच्छा, चाय के साथ भी और व्रत भी है सोंड। गाइस आपको पता ही होगा पंजाबी हिंदी में क्या बोलते हैं भाभी, पता? सोट याद आ गया। तो गाइस यहाँ पर सोट बन रही है, और फिलहाल गाइस अभी चाय भी आ चुकी है, और आज चाय के साथ फैन आया, काफी टाइम बाद खा रहा हूँ मैं। अदरवाइज तो भाई मतलब बिस्किट तो चलो करते रहते हैं, लेकिन फैन बचपन की यादें होती है, इमोशंस होते हैं। जिस बंदे ने पूरे बचपन में फैन खाया ना शाम के 5 बजे ट्यूशन से पहले, उसको पता है कि इसकी क्या वैल्यू है। एंड गाइस अभी चाय पानी तो हमारा मस्त कम्प्लीट हो चुका है फिलहाल, और अभी एकदम से देखो लाइट चली गई है भाई। देखो ये देखो सारे कैसे खुश हो रखे हैं। हमारे टाइम पे जब लाइट जाती थी ना स्कूल के अंदर, इतनी तेज शोर मचाते थे बच्चे सारी क्लास के। तो गाइस ऐसे शोर मचाते थे। फिलहाल यहाँ पर सुबह सुबह अमेजोन प्राइम से ना एक यहाँ पर पार्सल आया, तो मैंने पूछा किसका ये, तो अतुल भाई का कॉल आया था उस टाइम पे कि ये मेरा है, एक बार इसको लेकर रखना है ना, इसको खोलना मत। तो भाई उस टाइम पे तो मैंने नहीं खोला, मैंने पूछा अब इनसे क्या है, तो अभी दिखाता हूँ मैं इसके अंदर क्या निकलेगा। फिलहाल इन भाई साहब को देखो, ये कह रहे हैं भाई साहब इनकी जो दाढ़ी मूछें है ना, तो इसके लिए कोई इन्होंने यहाँ पर प्रबंध करा है, तो इसको खोल कर देखते हैं इसके अंदर क्या है। और अभी अतुल भाई खोलने लगे हैं इसको, और देखो भाई, ओ तेरी, ओ भाई ऐसे नहीं खोलते इसको। ए भाई तो क्या अनबॉक्सिंग करे, और दूर रह शक्ति इससे। और देखो भाई इसके अंदर क्या आया है, हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, क्या बात है। इसके अंदर आया गाइस बियर्ड ऑयल, और ये जो बियर्ड ऑयल है गाइस ये द मैन कंपनी का है, बाकी अतुल भाई ने मंगवाया है अमेज़न से, और ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, इसका बिल ये लगा हुआ भाई, ये देखो ये सही बात है, ये इसका बिल, बाकी ये वाला ऑयल आया। लेकिन ये मैंने ना सही बात पूछो ना, ये मेरे काम आए ना आए, ये एक बंदे के काम जरूर घर में आएगा। मेरी दाढ़ी आए ना आए, एक बंदे के बाल उड़े हुए सर से यहाँ से, उसके काम आएगा ये। मेरी दाढ़ी आए ना आए, एक बंदे के बाल उड़े हुए सर से यहाँ से, उसके काम आएगा ये। सो गाइस इनका तो अभी मजाक चलता रहेगा फिलहाल, बाकी हम दोनों भी नहा धोकर एकदम मजेदार तैयार हो चुके हैं। और अगर आपने कल वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता है कि आज इनको क्या करना है। इनको भाई इनको बनानी है आज मैगी, तो भाई ये मैगी लेने जाएंगे, लेकिन मेरे को नजायज की सजा मिलते क्योंकि मेरे को शूट करना पड़ेगा, इसलिए मेरे को भी नीचे साथ में जाना पड़ेगा। और अगर पॉसिबल हुआ तो गाइस अभी साथ में लाइट्स भी लेकर आएंगे जो घर में हमने लगानी है, तो फटाफट बाहर चलते हैं। सो गाइस अभी निकल चुके हैं फिलहाल घर से, और हमें दिख रही है सामने शॉप भाई, यहाँ से फटाफट सबसे पहले लेते हैं मैगी। मैगी लेना 6 टोटल, चाहे 5 बंदे आ रहे हैं लेकिन एक एक्स्ट्रा ही ले लेना, थोड़ी कम ना पड़ जाए ना। हाँ भाई तेरा पेट आगे है मुझे पता है। ठीक है भैया 6 मैगी देना। ओ माय गॉड, वाओ गाइस, तो मैगी हमने फिलहाल ले ली है। शुरू में भैया को लगता था कि ये दिमागी मरीज है, लेकिन अब भैया को भी आदत हो गया, पता लग गया कि वीडियोग्राफी करते हैं हम लोग। तो गाइस अभी हम यहाँ पर पहुंचे एक और शॉप के अंदर, और यहाँ पर फिलहाल करण भाई परचेज कर रहे हैं लाइट्स। वैसे तो यार यहाँ पर इतनी सारी अमेजिंग लाइट्स लगी है, मुझे मेरा तो मन ही नहीं कर रहा छोटी लाइट लेने का भाई, पर क्या करें मजबूरी है ना, हमें लाइटिंग चाहिए, डेकोरेशंस नहीं चाहिए। बाकी देखो यार कितने डिफरेंट टाइप के झूमर लगे हैं। फिलहाल भाई हमने यहाँ पर अपनी लाइट ले ली है, और ये वाली लाइट्स आपको मिलेगी, ये देखो हमने सारी परचेज कर ली है। हमारे पास ना एक सिमिलर लाइट थी, तो उसी का ही हमने डेमो दिखा कर ना वैसी लाइट ही ली है। और इसके अलावा मेरा मन तो दूसरी लाइटें लेने का कर रहा था, पर कहते ना छड्डे तेनो माज थल्ले
जाना था छोटे थले, ये बोलेंगे अतुल भाई। हाँ ये वो वाली बात है भाई, इसलिए हमने पहली कर ली। और सबसे बड़ी बात भाई, हम एक दो लेने आए थे, भैया ने ना मीठी जुबान कर करके पता नहीं क्या करा ऐसा, हमें पाँच छह ले दी है, पाँच छह दे दी भाई। तो ध्यान रखना जब भी कहीं परचेज करने जाओ मीठी जुबान में बताना। तो गाइस फाइनली ले लिए यहाँ से लाइट्स भी हमारी सारी की सारी, अब यार घर चलते हैं फटाफट। लेकिन वाकई में दुकानदार हो तो ऐसा हो भाई साहब। एंड गाइस मैं चलता हुआ जा रहा था, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इस दीवार पर पोस्टर लगाना या चिपकाना सख्त मना है। भाई साहब जिसने सफेदी पे इतना पैसा खर्चा है वो तो लिखेगा ही लिखेगा, है अतुल भाई, करण भाई। जिस हिसाब से उसने सफेदी कराई हुई है ना, मतलब वो बोर्ड देख के पता लग रहा है कि उस बंदे की शक्ल कैसी होगी लिखवाते वक्त। हाँ वाकई में उस बंदे की शक्ल भी पता लग रही है कैसी होगी, लेकिन भाई उसके इमोशन समझो, जिसने पैसा लगाया होगा ना उसने घर में बात जरूर करी होगी। घर पे बात करी होगी आज ना, सबसे पहले पोस्टर लगवा देता हूँ, यहाँ पर लोग पोस्टर बहुत चिपका जाते हैं। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं अभी घर पर यार, और यहाँ पर देखो उस्ताद जी लाइटें भी ले आए हैं, हम मैगी भी ले आए हैं, सब कुछ करण से खर्चवाया आज हमने। ये वाली लाइटें लेकर आया अतुल भाई, मतलब जो तुम्हें मैंने बोला था वही वाली है ना? नहीं वो 18 वोट वाली है जो आपने बोली थी, लेकिन रोशनी इसकी ज्यादा है उसके कंपैरिजन। रोशनी ज्यादा है, सस्ती हाँ। है हाँ सस्ती भी है। तो गाइस फिलहाल अभी करण भाई को हमने उठा लिया कुर्सी से, भाई साहब ये कुर्सी से तब से उठ नहीं रहे थे, फिर हमने इनकी यूं प्यार से गर्दन पकड़ी है, बोला करण भैया उठ जाओ। तो भाई फिलहाल अभी करण भाई को उठा लिया, और यहाँ पर देखो सारी मंडली हो चुकी है रेडी। भाई साहब मैं तो टूट गया हूँ, जल्दी बना दो मैगी। भाई मैगी के लिए तरसे हुए हैं ये बंदे, इसलिए नहीं तरसे हुए कि खाना को नहीं मिलता है, इसलिए तरसे हुए क्योंकि भाई साहब आज ये बंदा जो भाई साहब एक डक्का नहीं तोड़ता है, एक पानी का ग्लास नहीं पिलाता हमें, आज इस बंदे से हम मैगी बनवाएंगे और देखना इससे कैसे सेवा करवाते। तो उस्ताद जी फटाफट काम कर दो हमारा। तो फिलहाल गाइस सभी आ चुके हैं किचन के अंदर, और यहाँ पर हमने देखो सारा का सारा सामान भी इकट्ठा कर लिया है, टमाटर शिमला मिर्च प्याज, इसके अलावा ये मसाले वाला डिब्बा सारा का सारा, और साथ में हमने यहाँ पर अपनी मैगियां भी लगा ली हैं, और साथ में कढ़ाई भी रख ली है। भाई सारा सामान पहले ही रख लिया है ताकि दिक्कत ना आए बीच में बार बार, तो फटाफट बनाते हैं। ये तो वाकई बड़ा बुरा हाल है, वाकई में इसका बड़ा बुरा हाल है गाइस, मुझे लग रहा है मैगी भी मेरे को ही बनानी पड़ेगी। एंड गाइस इसकी ना आंखों में देखो आंसू कितने आ रहे हैं प्याज काटते काटते। ऑर्डर तो मार देते हैं हम लोग बड़े प्यार से कि भाई ये बना दो वो बना दो, लेकिन पता तब लगता है जब खुद कुकिंग करो ना किचन के अंदर घुस के। इसका लेकिन एक सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको बहुत बढ़िया। तो गाइस अब देख लो भाई को पहना दिया हमने हेलमेट, और हेलमेट पहन के काटेगा तो प्याज नहीं लगेंगे इसकी आंखों में, ये बढ़िया तरीका है भाई साहब, प्याज भी कट जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि ना आज डोमिनोज वाले को ना खुद ही डिलीवरी करनी पड़ रही है, खुद ही प्याज काट रहा खुद ही। इसकी देखना जैकेट भी वैसी नहीं लग रही डोमिनोज वाली, ऐसा लग रहा है डोमिनोज सीधा बाइक से उतरा खुद ही सामान काट के और यहाँ पर डिलीवरी करने जा रहा है भाई। पर वाकई में बड़ा बीड़ा घर के गाइस, इसका भी देखना कैसे मोटे मोटे पीस काट रहा है टमाटर के, देखना आज पता नहीं मैगी बनेगी मैगा बनेगा क्या बनेगा आज। अपना तो एक ही सिद्धांत है भाई, बने रहो पगला काम करे अगला। एंड गाइस हमने सारे के सारे मैगी मसाला से इसमें निकाल लिए हैं, बस अब इसमें हम थोड़ा सा अपना इंडियन टेस्ट ऐड कर दें क्योंकि मैगी का एक अपना टेस्ट होता है, बट उसके साथ साथ अगर हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ना तो और ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा भाई। थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च भी ले लेते हैं, ये डाल दिया भाई इतना बहुत है, और थोड़ी सी लाल मिर्च, ये अब ये बिल्कुल परफेक्ट है गाइस, और ये हमारा इंडियन टेस्ट बन गया अब जो हमें चाहिए पंजाबियों वाला। ओए होए 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 भाई साहब हमारा देखो पानी ऐसे उबाले मार रहा है जैसे वाकई में वेजिटेबल सूप लग रहा है, मोंचो सूप जैसा लग रहा है, मोंचो सूप जैसा लग रहा है भाई। और अब हमारा मसाला भी हम इसके अंदर डाल देते हैं सारा ए टू जेड, क्या बातें हैं भाई। ओए होए 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 भाई
पहली शर्त तो वो पैर दबाने की भी थी मैगी दिखाते खाते। ये देख रहे भाई झाड़ू पोछा सब कुछ होगा ना। कह रहा है शर्त पैर दबाने की भी थी। देख रहे शक्ति भाई हारने के बाद अभी खुद आ रहा था तो कहता था मैगी सिर्फ लाने की शर्त थी बनाने की नहीं थी। पैर दबाने की क्या बोल रहा है, झाड़ू पोछा सब कुछ की कपड़े धोने की भी होगी उसके अंदर ही। चलो यार हंसी मजाक अपनी जगह, फटाफट मैगी डाल के तो जो करने वाला काम है भाई। वैसे तो मैगी यार खाते रहते वो एक अलग बात है, लेकिन जो ये जीत के मैगी खाने का मजा है ना, और ऊपर से भाई साहब इस बंदे से काम करवा करवा के मैंने कम से कम 4 साल बाद काम किया होगा कम से कम। बता भाई फिर फटाफट कर दो, फटाफट डाल के भी दे दो सबको। क्या बातें हैं भाई, मैगी वैगी फुल यहाँ पर मजा अलग ही है। फिलहाल भाई यहाँ पर मैगी, भाभी सच्ची सच्ची बताना मैगी टेस्टी बनी है नहीं बनी देखने में? शक्ल से तो 100% टेस्टी होनी चाहिए। हाँ टेस्टी होनी चाहिए भाई, भाभी जी ने भी बोल दिया यहाँ पर। और अभी ये डाली जा रही है सबके लिए मैगी। क्या बात है, अगली बार जुराबे धुलवाने का चैलेंज भी रखेंगे और कपड़े धुलवाने वाला भी, मजा आ जाएगा भाई। बाकी गाइस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं, और ये हमारा आज लास्ट व्लॉग था इस लाइटिंग के साथ यार, क्योंकि अब जितने भी आगे वाले व्लॉग आएंगे आई होप उसकी लाइटिंग आपको थोड़ी सी बेटर लगेगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना यार, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको व्लॉग का सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा लगा। बाकी फिलहाल कुछ पुराने कमेंट्स भी आए हैं, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला कमेंट है वंदना वर्मा का, मैं पारस की भाभी हूँ, ज्योतुल भाई के फ्रेंड है, ठीक है भाभी जी को नमस्कार। उसके बाद है शुभम नितिन अग्रवाल, गुड आफ्टरनून, तो भाई गुड आफ्टरनून आपको भी। उसके बाद है संगीता जसरा जी का, ये कह रहे हैं मजा आ गया वेरी नाइस व्लॉग, थैंक यू सो मच, ऐसे ही देखते रहो मजे लेते रहो। उसके बाद है युवराज वर्मा का, कह रहे हैं बेस्ट फनी व्लॉग ब्रो, तो थैंक यू सो मच भाई, आपको हमारा फनीपन दिखता है, कम से कम किसी को तो दिखता है। उसके बाद है मधुर शर्मा, भाई कसम से सौरभ से अच्छा व्लॉग आपका है, मैं तो आपका पक्का सब्सक्राइबर हो गया, आपका बड़प्पन है भाई, सब बहुत मेहनत करते हैं। बाकी अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो दिल से थैंक यू। उसके बाद है फैमिली गेमर, ब्रो लव यू ब्रो, मेरे को आपसे बात करनी है, तो भाई बिल्कुल कर लो, इंस्टाग्राम पे आ जाओ करण शक्ति व्लॉग्स पे, मिल के बातें करते हैं खूब। उसके बाद है गाइस नटकट चिंटू व्लॉग, ये कह रहे तुसी पंजाबी हो वेरी नाइस व्लॉग, हाँ जी असी पंजाबी है गए, थैंक यू सो मच। उसके बाद है राहुल शर्मा का, इन्होंने लिखा नाइस, थैंक यू सो मच जी। तो गाइस ये थे आज के कुछ कमेंट्स, एंड आप भी कमेंट जरूर करना यार, मेरे को आपके कमेंट्स काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, जब मैं पढ़ता हूं तो हम फैमिली में भी डिस्कस करते हैं, देखो लोग कितने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स कर रहे हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लो, कभी कभार क्या होता है आधा एक घंटा वीडियो लेट हो जाते हैं, तो उस केस के अंदर आपको नोटिफिकेशन आएगा जब भी वीडियो अपलोड होगा, और बेल आइकन जरूर दबा लेना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।